अपने शहर की लेटेस्ट खबरों के लिए न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने पाकिस्तान स्थित जैश ए मोहम्मद के प्रमुख मसूद अजहर को वैश्विक आतंकवादी घोषित कर दिया। ये प्रतिबंध चीन द्वारा अपनी आपत्ति वापस लेने के बाद लगाया गया है। कश्मीर घाटी में कुख्यात पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के नापाक मंसूबों के लिए ये भी एक बड़ा तगड़ा झटका है, क्योंकि ISI जम्मू कश्मीर में मुख्य तौर पर जैश की आतंकी गतिविधियों को बढ़ावा देता आया है। एक इंटेलिजेंस ऑफिसर ने बताया कि जैश ने भारत में अक्सर कश्मीर में सबसे ज्यादा फिदायिनी हमलों को अंजाम दिया है। चलिए आपको भी बताते हैं कि मसूद ने कब कब किए भारत पर हमले। जैश ए मोहम्मद बनाने के बाद मसूद ने पहला बड़ा हमला किया अक्टूबर 2001 में जम्मू कश्मीर की विधानसभा पर। इस हमले में 38 लोगों की जाने गई थी। इसके 2 महीने बाद दिसंबर 2001 में मसूद ने लश्करे तैयबा के साथ मिलकर भारत की संसद पर हमला किया। इस हमले में भारत के 8 जवान शहीद हुए थे। 25 दिसंबर 2015 को जब पीएम मोदी ने बिना किसी पूर्व योजना के पाकिस्तान जाकर उस समय के अपने समकक्ष नवाज शरीफ से मुलाकात की, तो मसूद बिलबिला उठा। मुलाकात के ठीक 7 दिन बाद भारत के पंजाब में बने पठानकोट एयरबेस पर हमला किया और इस हमले में 9 जवानों और 1 सिविलियन की मौत हो गई। हालांकि इस हमले की जिम्मेदारी यूनाइटेड जिहाद काउंसिल ने ली थी, जबकि हमले में जैश ए मोहम्मद का नाम भी सामने आया था। सितंबर 2016 में जम्मू कश्मीर के उड़ी में भारतीय सुरक्षा बलों पर भी हमला किया गया, जिसमें 19 जवानों ने अपनी जान गंवाई। भारत सरकार की तरफ से इस हमले का शक भी जैश ए मोहम्मद पर ही जताया गया था। 14 फरवरी 2019 को जम्मू कश्मीर के पुलवामा में भारतीय सुरक्षा बलों की एक बस को विस्फोटक लदे वाहन से उड़ा दिया गया था और इस हमले में 40 से ज्यादा जवान शहीद हो गए थे। इस हमले की जिम्मेदारी खुद जैश ए मोहम्मद ने ली थी और इस तरह मसूद अजहर ने भारत को कई बार घाव दिए। न्यूज़ डेस्क।